डॉट क्वेरी सेलेक्टर है, इसमें डॉक्यूमेंट का मतलब है आपका एच टी एम एल का डॉक्यूमेंट, ठीक है। अगर मैं ये एच टी एम एल, ये शुरू से लेके और ये आखिर तक, जो ये एच टी एम एल जहाँ तक है, ये पूरा जो डॉक्यूमेंट है इसको हम क्या कहते हैं, ये डॉक्यूमेंट, इसी डॉक्यूमेंट की बात हो रही है। अच्छा, उसके ऊपर जो ये क्वेरी सेलेक्टर है, क्वेरी कहते हैं तलाश करने को, तो ये क्वेरी सेलेक्टर है कि भाई तलाश करो इस डॉक्यूमेंट में से, क्या तलाश करो, ये मैंने इसके अंदर हैश लगा के एक नाम लिख दिया। इसका मतलब मैं इसको क्या बोल रहा हूँ कि एक ऐसा एलिमेंट एक तलाश करके लाओ जिसकी आईडी है इनपुट नम वन। अच्छा, अगर मैं इसमें से ये हैश हटा दूंगा तो फिर ये क्या करेगा, एलिमेंट का नाम ढूंढेगा, यानी मिसाल के तौर पर मैंने कहा डिव, तो क्वेरी सेलेक्टर को हमने जब डिव दे दिया तो उसका मतलब है कि जितने भी डिव होंगे ना उस पूरे डॉक्यूमेंट में, वो सब उठा के ले आएगा, ठीक है। लेकिन मुझे जस्ट एक एलिमेंट चाहिए पिन पॉइंट करके, तो इसलिए मैं क्या दे रहा हूँ, इसको आईडी दे रहा हूँ उसको। अच्छा, इतनी चीज़ मुझे क्या रिटर्न कर रही है, मुझे वो एलिमेंट रिटर्न कर रही है, ठीक है। अच्छा, उस एलिमेंट की मुझे वैल्यू चाहिए तो मैंने डॉट वैल्यू लगा लिया, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर और उसके आगे डॉट वैल्यू का मतलब ये आपको मैंने समझा दिया। इस कोड में अगर कोई भी ऐसी चीज़ है जो आपको समझ में ना आई हो तो प्लीज़ पूछिए। इसमें अगर कुछ लिखा हुआ हो तो यार, ये बीच वाला प्लग है ना, उसका वो राइट वाला बंद कर दो, राइट वाला बीच वाले डब्बे का राइट वाला। अच्छा, क्या लिखा हुआ हो तो ऊपर जो H1 है, हाँ, उसमें अगर कुछ लिखा हो जैसे this number is, तो जब ये कोड रन करेंगे तो वो नंबर आ जाएगा लेकिन H1 खाली हो जाएगा, तो नहीं खाली क्यों हो जाएगा। मिसाल के तौर पे ये जो तुम कह रहे हो कि यहाँ पे एक एच वन बना हो, नहीं मैं एक नया बना लेता हूँ ना, उसको नहीं छेड़ते। अच्छा, मैंने इसको कहा कि सम आईडी, ठीक है, इसको मैंने एक नई आईडी दे दी सम आईडी, और इसके अंदर मैंने लिख दिया मलिक, ये लिख दिया मैंने। अच्छा, अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं अलग से कर रहा हूँ, ऊपर पे कोड कर रहा हूँ। मैंने कहा कि भाई डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी QUERY सेलेक्टर, अब इसको मैं क्या दे रहा हूँ, आईडी सम आईडी जो मैंने वहाँ पे दी थी। अच्छा, डॉट मैंने कहा वैल्यू, ये कह रहे हो ना तुम। अच्छा, इस एलिमेंट के ऊपर ना डॉट वैल्यू नहीं लगेगा, डॉट वैल्यू उस पर लगता है जहाँ पे यूज़र इनपुट, इस पर मुझे लगेगा टेक्स्ट, इनर टेक्स्ट, ठीक है, ये लग के मुझे क्या मिलेगा, इसका डेटा मिलेगा। अच्छा, मैंने इसमें कह दिया लेट, क्या इसको टेक्स्ट कह दूँ मैं, लेट टेक्स्ट इक्वल्स टू दिस। अब ये इसने क्या किया, पूरा मुझे क्या, ये एच वन का एलिमेंट रिटर्न कर दिया, डॉट इनर एच टी एम एल लगाया मैंने या इनर टेक्स्ट लगाया, तो उससे मुझे उसके अंदर की चीज़ मिल गई, अब वो मैंने यहाँ पे लाके सेव करा लिया। तो इससे ये खाली थोड़ी होगा, इससे ये खाली नहीं होगा, खाली जब होगा जब मैं इसको चेंज करूँगा, खाली उस सूरत में होगा जब मैं ये बोलूँगा ना, जब मैं ये बोलूँगा इनर टेक्स्ट इक्वल टू और समथिंग एल्स, ठीक है। तो ये समथिंग एल्स जो अब ये नया डेटा मैं डाल रहा हूँ, तो पुराना दायरा फिर हट जाएगा, ठीक है। अभी इसको मैं, इस टेक्स्ट को मैं क्या करा देता हूँ, कॉन्सोल करा देता हूँ। यहाँ पे क्या कॉन्सोल आना चाहिए, मलिक आ जाते हैं, इसको ज़रा चला के भी देख लेते हैं, कॉपी पाथ एंड देन यहाँ जाके मैंने पेस्ट किया कॉन्सोल डॉट लॉग में, कैसे देखूँगा, इंस्पेक्ट एलिमेंट कॉन्सोल में गया, देखो यहाँ पे मलिक प्रिंट हो गया, सही है। अच्छा, ये प्रिंट होने से ये एच वन खाली भी नहीं हुआ, ये भी अपनी जगह खड़ा रहा है, लेकिन अगर मैं वो वाली बात कह दूंगा जो मैंने अभी की थी, ये वाली के डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर सम आई डी डॉट इनर टेक्स्ट इक्वल टू समथिंग एल्स, तो उससे देखो क्या होगा, समथिंग एल्स चला गया वहाँ पर, पुराना वाला हट गया, समझ में आ गया, ये डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर। अच्छा, ये प्रैक्टिस से समझ में आ गया, क्योंकि ये इनपुट और आउटपुट ऐसी चीज़ है, ये हम हर सॉफ्टवेयर में अब करेंगे, हम जितने भी सॉफ्टवेयर बनाएंगे थ्रू आउट द कोर्स एज अ असाइनमेंट आपको जो मिलेंगे उन सब में ये काम हो रहा होगा, तो इंशाल्लाह आप इतनी दफ़ा ये काम करेंगे कि आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा सारी चीज़ों का। अच्छा, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कंडीशन चेकिंग। अच्छा, कंडीशन चेकिंग में यही वो कल वाला ही कोड है ये, जिसमें मैं क्या ले रहा हूँ,
यूजर से इनपुट ले रहा हूँ, कितने इनपुट ले रहा हूँ, दो इनपुट ले रहा हूँ, सही है, एक है num1 एक है num2, ये मैंने दो इनपुट ले लिए। अच्छा चलो अभी एक कर देता हूँ, दो इनपुट नहीं लेता, एक इनपुट है बस, सही है। अच्छा अब ये एक इनपुट जो मैंने लिया है उसके नीचे एक बटन बना हुआ है जिसका जिसका नाम लिखा हुआ है सबमिट, ठीक है, या चेक, कोई भी नाम रख सकते हैं अपनी मर्जी का, उसको मैं चेक कर देता हूँ, ठीक है, जस्ट टू आपको ये बावर कराने के लिए कि इसका नाम चेक भी रखा जा सकता है, ठीक है, सबमिट भी सही नाम है, कोई भी अपनी मर्जी का नाम रख सकते हैं आप। अच्छा इसके क्लिक होने पे मैंने क्या कहा कि ये सबमिट चला दो। अब ये सबमिट क्या है, नीचे एक फंक्शन है, फंक्शन अभी हमने इस कोर्स में कवर नहीं किया, इंशाल्लाह फंक्शन को हम थोड़े ही दिनों में बहुत डिटेल में इंशाल्लाह कवर करेंगे, फंक्शन को अभी हमने कवर नहीं किया, बस अभी आप इतना समझ लें कि ये सबमिट जब चलेगा तो यहाँ से लेके ये लाइन नंबर 22 से लेके और ये लाइन नंबर 37 तक, जहाँ तक ये फंक्शन की बॉडी है, इतना कोड एक दफ़ा चल जाएगा जब ये फंक्शन चले चलेगा, जब ये क्लिक होने पे चलेगा, ठीक है। अच्छा इससे ज़्यादा डिटेल में अभी इसको बाद में पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ रहे। अच्छा एक मेरे पास H1 है जिसके अंदर मैं आउटपुट को डिस्प्ले करवाऊँगा। अच्छा नीचे आ गया मैं, ये इनपुट मैंने क्या कर लिया, जैसे ही बटन पर क्लिक हुआ उसमें से डेटा उठा लिया मैंने। अच्छा इसको मैं बगैर फंक्शन के अगर करता तो क्या होता, ये कोड पेज लोड होते ही चल जाता, ठीक है, लेकिन मुझे तो पेज लोड होते ही नहीं चलाना, क्योंकि जब पेज लोड होगा तो उस पर इनपुट बॉक्स में क्या लिखा हुआ है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ, खाली है, एम्प्टी स्ट्रिंग है, तो वो पेज लोड होते ही जब चलेगा ना तो इसमें क्या आ जाएगा, एम्प्टी स्ट्रिंग आ जाएगा। अब जब यूज़र इनपुट देगा तो फिर तो उसको तो जब चलना चाहिए, तो इसलिए मैंने इसको फंक्शन के अंदर लिखा है कि भाई क्लिक होगा तो ये फंक्शन चलेगा और ये कोड रन होगा। अच्छा फिर मैंने कहा भाई कॉन्सोल डॉट लॉग और उस इनपुट को मैंने स्क्रीन पर अपने कॉन्सोल करा दिया। अच्छा उसके बाद अभी एक रिजल्ट का वेरिएबल है, यहाँ पे मैं दो नंबर को प्रोसेस कर रहा था अपने लास्ट क्लास में जो हमने ये कोड लिखा था, ठीक है, इनपुट भी ले रहे थे आउटपुट भी दे रहे थे और उसको कुछ ना कुछ प्रोसेस भी कर रहे थे। अब इस प्रोसेस में हम क्या करेंगे, इस प्रोसेस को अब हम चेंज करके इसमें कंडीशन चेकिंग हम कुछ ना कुछ कर रहे होंगे, ठीक है। अच्छा अब ये जो बीच वाला इतना हिस्सा है ना, यहाँ पे इस जगह पे, यहाँ पे मेरा सारा काम हो रहा होगा। अच्छा मैंने अभी क्या चेक करना है, मैंने अभी ये चेक करना है कि जो बंदे ने नंबर इनपुट दिया है वो 10 से छोटा है या 10 से बड़ा है, आसान सा है, ठीक है, 10 से छोटा है या 10 से बड़ा है, या मिसाल के तौर पे आप लगा लो कि एटीएम के अंदर एक बंदे की एटीएम की लिमिट है 50,000, तो जैसे ही वो नंबर एंटर करेगा, अमाउंट एंटर करेगा और ओके प्रेस करेगा, तो सबसे पहले क्या चेक होना चाहिए कि जितनी उसकी लिमिट है उससे ज़्यादा तो नहीं निकाल रहा, यही होगा ना सबसे पहला काम। तो हम ये चेक कर लेते हैं कि जो बंदे ने नंबर एंटर किया है वो 50,000 से बड़ा तो नहीं है कहीं, अगर 50,000 से बड़ा है तो हम उसको बता देंगे 50,000 से बड़ा है, अगर वो 50,000 से छोटा है तो हम उसको बता देंगे विद इन द लिमिट है ये, ठीक है, एक्सीड नहीं हो रहा। अच्छा अभी आप हो सकता है सोच रहे हो कि यार ये छोटी सी जो कंडीशन चेकिंग है ये तो किसी काम की तो नहीं है, ये मेक सेंस तो नहीं है इसका इतना भी, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो बड़े सॉफ्टवेयर बनते हैं उसमें यही छोटी छोटी लॉजिक्स को मिला के बड़े सॉफ्टवेयर बनते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर अगर हम एक ATM के सॉफ्टवेयर की मिसाल लें तो ATM के सॉफ्टवेयर में ये बात एग्जैक्टली अंदर कहीं ना कहीं लिखी हुई है कि भाई बंदे की लिमिट कितनी है, कार्ड जैसे ही डाला उसने उसकी लिमिट पता चल गई मशीन को, 50,000 लिमिट है मिसाल के तौर पर। तो जब भी आप अमाउंट एंटर करेंगे तो वो सबसे पहले यही चेक करेगा। अच्छा ये चेक करने के बाद फिर वो आगे और भी बहुत कुछ करेगा जो अभी हम कवर नहीं कर रहे हैं, ठीक है, बेबी स्टेप्स ले रहे हैं, एक एक करके बेबी स्टेप्स में हम चीज़ें कवर कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है। अभी ये बेबी स्टेप्स लेते 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 हम क्या करेंगे, हम जब इतनी चीज़ें सीख जाएंगे तो फिर हम उन सबको कंपाइल करके एक बड़ा सॉफ्टवेयर बनाएंगे, ठीक है, समझ रहे हो ना, अपना रोड मैप ये क्लियर होना चाहिए विजन कि हम जा किधर रहे हैं। अच्छा अभी फ़िलहाल मुझे क्या करना है, मैंने ये रिज़ल्ट बना दिया एक अदद स्ट्रिंग, क्योंकि मुझे अभी जो रिज़ल्ट दिखाना है वो एक जुमला शो करना है, एक जुमला लिखा हुआ था ना स्क्रीन के ऊपर, तो मुझे वो जुमला शो करना है। अच्छा मैंने अब नीचे आके कहा इफ़, अच्छा ये जो इफ़ है ना, ये जितने भी कीवर्ड्स हैं आपके ये सब केस सेंसिटिव होते हैं, ठीक है, मिसाल के तौर पे कहीं पे अगर स्मॉल लेटर से इफ़ लिखा हुआ है तो आप अगर कैपिटल से लगा देंगे ना वो काम नहीं करेगा, आपको स्मॉल से ही हर दफ़ा लिखना है,
या कॉन्सोल डॉट लॉग, अब मैंने देखें स्मॉल में लिखा हुआ है सारा, तो इसको हमेशा आपने स्मॉल में ही लिखना है। अभी कुछ कीवर्ड्स आप ऐसे भी पढ़ेंगे आगे चल के जो कैपिटल में होते हैं, तो उनको आपको हमेशा कैपिटल में ही लिखना है। स्मॉल में लिखेंगे तो वो नहीं चलेगा, उसको समझ में नहीं आएगा कि ये वही कीवर्ड है, क्योंकि जावा स्क्रिप्ट के अंदर और मोस्ट ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर, तकरीबन सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जितनी भी कोडिंग होती है वो सारी क्या होती है, केस सेंसिटिव होती है। जितनी भी ग्रामर है इसकी वो सारी क्या होती है, केस सेंसिटिव। तो अगर स्मॉल सी से कॉन्सोल लिखा हुआ है तो वो अलग है, और कैपिटल सी से अगर लिखा हुआ है तो वो अलग है, ठीक है। जैसे मैंने एक वेरिएबल बनाया ये रिजल्ट के नाम से, ये स्मॉल आर से बना हुआ है, अभी मैं कैपिटल आर से एक दूसरा वेरिएबल बना सकता हूँ, दोनों सेपरेट रहेंगे, आपस में मिक्स नहीं होंगे दोनों, क्योंकि स्मॉल आर वाला रिजल्ट अलग है, कैपिटल आर वाला रिजल्ट अलग है, केस सेंसिटिव होने की वजह से, ठीक है जी। तो हमें इफ़ हमेशा स्मॉल लेटर में लिखना है। तो हमने क्या देखा कि इफ़ एक कीवर्ड है जो आज हमने पहली दफ़ा सीखा है इस कोर्स में। अच्छा, उसके बाद इफ़ के बाद क्या है, एक अदद में ये गोल ब्रैकेट है पैरेंथेसिस। अब इस गोल ब्रैकेट के अंदर मुझे क्या लगानी है, CONDITION, यहाँ पे मुझे कोई कंडीशन, अभी कंडीशन इस तरह तो नहीं होगी, लेकिन मुझे यहाँ पे कोई ना कोई कंडीशन बतानी है कि भाई क्या कंडीशन चेक करो। अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई तो यहाँ से लेके यहाँ तक का कोड चल जाएगा, उसके बाद है एल्स। अगर फॉल्स हो गई तो एल्स वाला कोड चल जाएगा। अच्छा, हमें चेक ये कराना है इस वक्त, हमें इस वक्त ये चेक कराना है कि बंदे ने जो नंबर इनपुट किया है उसका क्या नाम था, इनपुट नम वन, ठीक है, बड़ा है कितने से, 50,000, ठीक है। इनपुट नम वन जो है अगर वो बड़ा है 50,000 से, तो ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, अच्छा कुछ लोग कह रहे हैं ट्रू है, तो प्लीज बताएंगे ट्रू क्यों है। ये अभी इस वक्त ये जो कंडीशन लगी हुई है ट्रू है या फॉल्स है, ये कैसे ट्रू है, नहीं मतलब ऐसे ब्रेन स्टॉर्मिंग का क्वेश्चन है। हाँ, जब तक इनपुट नहीं देंगे तो हमें तो पता ही नहीं है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। कुछ इनपुट ऐसे आएंगे जिसमें ये ट्रू हो जाएगा, कुछ इनपुट ऐसे आएंगे जिसमें ये फॉल्स हो जाएगा। जस्ट इन केस, मिसाल के तौर पे अगर बंदे ने इनपुट दिया 12,000, तो उस केस में ये ट्रू है या फॉल्स है, ट्रू है। अच्छा, ट्रू होने की सूरत में क्या होगा, ये जो ब्रैकेट है ना लाइन नंबर 31 के बिल्कुल आखिर में, यहाँ से लेके यहाँ तक का कोड चल जाएगा, एक दफ़ा चलेगा, सॉरी सॉरी, अच्छा मैं भी कंफ्यूज हो गया हूँ, क्या कह रहे हो दोबारा बोलो। हाँ, 12,000 की वैल्यू पे ये ट्रू कैसे है, ये तो फॉल्स है, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पे क्योंकि मैंने लगाया हुआ है कि बड़ी है वैल्यू, इनपुट वन अगर बड़ा होगा 50,000 से तो तब ये ट्रू होगा, तो अभी तो ये फॉल्स है, ठीक है, अभी ये फॉल्स है एक्चुअली। अभी इसका भी मैं कन्फ्यूजन क्लियर करता हूँ, कुछ लोगों को ग्रेटर देन और स्मॉलर देन में ना बड़ी कन्फ्यूजन रहती है। अच्छा, मुझे बहुत कन्फ्यूजन रहती थी, अभी भी देखो मैं कितना कन्फ्यूज हो गया, तो मैंने इसके लिए एक ट्रिक लगाई दी है, तो वो मैं आपको बता दूंगा आज। अच्छा, तो अभी ये हो गया फॉल्स, तो फॉल्स की सूरत में मुझे क्या करना है, मुझे रिजल्ट की वैल्यू को क्या करवाना है, चेंज करवाना है, ठीक है। इसमें क्या लिखूंगा मैं, द अमाउंट इज विद इन द लिमिट, सही है। अच्छा, क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स हुई है तो ये क्या करेगा, यहाँ से लेके इस जगह से लेके इस जगह तक के कोड को इग्नोर करेगा। अभी तो कोई कोड नहीं लिखा हुआ, लेकिन होगा लिखा हुआ तो इग्नोर करेगा,
और else को चलाएगा। अच्छा अभी if अगर मैंने यहाँ पे डाल दिया 72,000 तो अब क्या हो चुका है, ये वाली कंडीशन ट्रू हो चुकी है, ठीक है। तो अब मैं रिजल्ट की वैल्यू को क्या करूँगा इस केस में, सही है, यू आर ओवर लिमिट, सही है, प्लीज एंटर, बट ठीक है इतना ही काफ़ी है, 50,000 इज द लिमिट, ठीक है, जस्ट इन केस 50,000 मैंने लगा दिया। अच्छा ये जो मैंने कोड लिखा है सबको ये समझ में आ रहा है अच्छी तरह, किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रही इस कोड में, इसका एक 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 जो कैरेक्टर है ना वो आपको समझ में आना चाहिए, सही है, एक एक कैरेक्टर समझ में आ रहा है कि कैसे क्या हो रहा है। अच्छा तो ये हमने सबसे बेसिक कंडीशन चेकिंग सीख ली। अच्छा इसको एक दफ़ा और जो है ना ज़रा ड्राई रन करते हैं। अच्छा कैसे करते हैं, ऊपर से चलते हैं, ऊपर से शुरू करते हैं कि कोड में मेरे क्या हो रहा है। सबसे पहले एक वेरिएबल बना जिसमें मैंने जो भी बंदे ने वैल्यू लिखी थी वो मैंने पकड़ ली, उठा ली। अच्छा ये वैल्यू आ गई इस वेरिएबल में, इस वेरिएबल को मैंने कंसोल करा लिया, अभी ये मैं ड्राई रन कर रहा हूँ। ड्राई रन का मतलब होता है कोड को देख के ऐसे अपने ब्रेन में एग्जीक्यूट करना कि इसका रिजल्ट क्या होगा, ठीक है। आपको इस चीज़ पे ग्रिप होनी चाहिए, ये जो छोटी मोटी कोड है मतलब 200-400 लाइन के कोड, ये आपको ड्राई रन करना आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इससे आपका क्या होता है लॉजिक बिल्डिंग बेहतर होती है आपकी। अदरवाइज़ आप लिखेंगे फिर स्विच करेंगे विंडो फिर उसको रन करके देखेंगे फिर मैसेज पढ़ेंगे एरर का, इस तरह बहुत इनएफिशिएंट हो जाता है आपका काम। तो आपको ना कोड जो लॉजिक आपने लिखी है उसको आपके ब्रेन में ड्राई रन होना चाहिए, जब आप कोड लिख रहे हो तो आपके ब्रेन में वो प्रिंट हो जानी चाहिए वैल्यू कि इसका रिजल्ट ये आ चुका है। अच्छा तो हमने क्या किया, जो भी वैल्यू यूज़र ने ली थी वो प्रिंट करवा दिया। अच्छा फिर मैंने एक वेरिएबल बनाया रिजल्ट, और रिजल्ट के अंदर मैंने इस वक्त खाली एम्प्टी स्ट्रिंग रखवा दिया, ठीक है। अच्छा उसके बाद मिसाल के तौर पे बंदे ने वैल्यू एंटर की थी 13,500, सही है, ये बंदे ने वैल्यू एंटर की थी जस्ट इन केस। हर दफ़ा यूज़र अलग वैल्यू एंटर करेगा, जो उसका दिल करेगा वो एंटर करेगा। यहाँ पे क्या रिटर्न हुआ, 13,500 जो बंदे ने वैल्यू एंटर की थी। अभी 13,500 ये क्या लिखा हुआ है, ग्रेटर देन 50,000, तो ये बात फॉल्स हो गई, सही है, ये फॉल्स हो गया। अच्छा तो फॉल्स होने की सूरत में ये जो इतना इतना जो कोड है ये इग्नोर कर दिया जाएगा, इसको एग्जीक्यूट नहीं किया जाएगा, इस कोड को चलाया नहीं जाएगा, एल्स का जो कोड है ना वो चलेगा क्योंकि इफ हो गया फॉल्स। अच्छा एल्स में क्या लिखा है, रिजल्ट इक्वल्स टू, और कोई एक मैसेज है, कोई कोई भी टेक्स्ट हो सकता है यहाँ पे, वो मैसेज रिजल्ट के अंदर चला गया। अच्छा अब ये रिजल्ट में जब वो मैसेज चला गया तो मैंने इस रिजल्ट को क्या करवा दिया, कॉन्सोल करवा दिया, और कॉन्सोल करवाने के बाद मैंने क्या किया उसको आउटपुट में यानी स्क्रीन पे भी डिस्प्ले कर दिया। कहाँ पे, सम रिजल्ट करके था मेरे पास एक, कोई देख लेते हैं वो है भी या नहीं है, हाँ सम रिजल्ट करके एक था मेरे पास, उसमें मैंने उसको प्रिंट करवा दिया, ठीक है, सही है कोड बिल्कुल, इसमें कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है किसी को। अच्छा अभी हम इसको मज़ीद डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले एक दफ़ा इसको हम चला के देख लेते हैं। अच्छा ये मेरे पास इनपुट बॉक्स आ चुका है, इसके अंदर मैंने 13,500 लिखा और मैंने चेक का बटन दबाया, अमाउंट इज़ विद इन द लिमिट। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ 50,000, बल्कि मैं सॉरी अभी 50,000 नहीं लिखता हूँ, अभी मैं 40,000 लिखता हूँ, सही है, विद इन द। अच्छा यहाँ पे अब मैंने लिख दिया 70,000, चेक, यू आर ओवर द लिमिट, 50,000 इज़ द लिमिट, सही चला बिल्कुल कोड हमारा। अच्छा अब हम वापस आ जाते हैं यहाँ पे, हाँ अभी मैं इस पे आने वाला हूँ थोड़ी देर में।
अच्छा, लेकिन पहले एक ज़रा एक एम्बिग्यूटी हम समझ लेते हैं। वो एम्बिग्यूटी ये है कि ये ग्रेटर देन और लेस देन को कैसे पता लगाया जाए। इसका कोई आसान तरीका होना चाहिए कि उसको कोई ऐसी निशानी लगा लें इसके ऊपर जिससे हमें ईजिली पता चल जाए। तो वो उसके लिए मैं जो है ना आपको क्या खोल देता हूँ यहाँ पे, यहाँ पे मैंने खोला पेंट के। अच्छा यहाँ पे एक वैल्यू लिखी हुई है मिसाल के तौर पे 5 और यहाँ पे लिखी हुई है एक वैल्यू 7। अच्छा इसके बीच में क्या लगाया हुआ है मैंने, इक्वल, ठीक है। अच्छा क्या ये ट्रू है, क्या 5 7 की इक्वल है, ये फॉल्स है, ठीक है। अच्छा अब इसको हम चलते हैं, पुराने ज़माने की टीवी देखी होगी तुमने, उसमें वॉल्यूम बढ़ाने वाला इस तरह का होता था यूँ, ठीक है, ऐसा ही होता था ना। उसका मतलब होता था टूटी इस तरफ घुमाओगे तो कम होगा और दूसरी तरफ घुमाओगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा। अभी ये नीचे जो रखी हुई है ना मशीन, इसमें भी इसी तरह का साइन बना हुआ है, वॉल्यूम में ज़्यादातर जगहों पर ऐसे बना हुआ होता है, ठीक है। तो एक्चुअली लॉजिक वही है। अच्छा अगर मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर दूंगा, ठीक है, इसको मैं यूँ कर दूंगा, इस वाले को हटा दिया मैंने, इस वाले को हटाऊंगा कैसे मैं, तो अब मैं क्या बोल रहा हूँ, पहले दोनों लकीर इक्वल थी, अब मैं बोल रहा हूँ कि जो ये इस तरफ वाली जगह है ना ये छोटी है, ये इंडिकेटर है, इंडिकेट कर रहा हूँ मैं कि इस तरफ वाली जगह छोटी है और जो इस तरफ इसकी वैल्यू है वो बड़ी है, सही है, वॉल्यूम वाला इसमें टर्मिनोलॉजी लगी हुई है। अच्छा तो क्या ये ट्रू है, क्या 5 वाली साइड जो है जिस पे 5 लिखा हुआ है ये साइड वैल्यू के अतबार से छोटी है और वो साइड वैल्यू के अतबार से बड़ी है, ऐसा ही है क्या, ये ट्रू है बिल्कुल, ठीक है। तो ये ट्रू रहेगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के हिसाब से। अच्छा अब अगर मैं इसको इस तरफ से ऐसे कर दूं तो अब ये इंडिकेटर क्या कह रहा है, अब ये इंडिकेटर कह रहा है कि जो इस तरफ वाली वैल्यू है ना वो छोटी है और इस तरफ वाली वैल्यू बड़ी है, ये इंडिकेटर अब ये कह रहा है। अच्छा तो क्या ये ट्रू है बात, क्या इस तरफ वाली वैल्यू छोटी है और उधर वाली बड़ी है, ठीक है, ये फॉल्स है क्योंकि इधर वाली वैल्यू छोटी नहीं है जैसा कि, तो ये इंडिकेटर क्या हो गया, फॉल्स हो गया। अच्छा तो ये आसान सा बहुत हल है। अच्छा ये थोड़ा सा बाद में जब इवॉल्व हुआ ना ये साइन तो ये ऐसे बन गया, ठीक है, वरना पहले नीचे वाली लाइन प्लेन थी एक टाइम पर। अच्छा वैसे मैथ में एक प्लेन लाइन का कोई साइन भी होता है तो मुझे प्लीज़ कोट मत कीजिएगा, आई एम नॉट मैथमेटिक्स एक्सपर्ट, तो मैं जस्ट ये समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ, हो सकता है इस तरह का कोई साइन और होता हो, आप बोलें सर ये तो पता नहीं क्या बता दिया आपने। अच्छा ये वाली चीज़ सबको क्लियर हुई, यहां पे हम क्या कह रहे हैं, यहां पे देखो ये वही वाला साइन है, ये वही वाला साइन है, ये साइन क्या कह रहा है कि इधर जो भी वैल्यू है वो बड़ी है और इधर जो भी वैल्यू है वो छोटी है। अच्छा इधर वाली वैल्यू तो फिक्स है 50,000, लेकिन इधर जो वैल्यू है वो तो जब यूजर देगा जब आएगी, तो जब ये वैल्यू आ जाएगी जब हमें पता चलेगा कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। अच्छा जस्ट इन केस, जस्ट इन केस फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, अगर मैं यहाँ पे लगा दूँ एक हार्ड कोडेड वैल्यू, अगर मैं यहाँ पे लगा दूँ तो अब ये क्या स्टेटमेंट ट्रू हो गई है फॉल्स हो गई है, क्योंकि ये इंडिकेटर कह रहा है कि इधर वाली वैल्यू बड़ी है इधर वाली छोटी है, सॉरी हाँ यही कह रहा है इंडिकेटर, इधर वाली छोटी है, हालांकि ऐसा है नहीं, तो मतलब ये फॉल्स हो गया,
क्या ये कभी भी ट्रू होगा? ये कभी भी ट्रू नहीं होगा, जितनी बार भी मैं बटन को प्रेस कर लूँ ये हमेशा फॉल्स रहेगा, क्योंकि ये तो हार्ड कोडेड वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगी, ना वैल्यू चेंज होगी ना रिजल्ट में कोई चेंजिंग आएगी। कंडीशन तो चेक करेगा कंप्यूटर आपका, उसमें जो सीपीयू का साइकिल है वो तो घूमेगा, लेकिन रिजल्ट और हदफा जो है वो एक ही आ रहा होगा, क्योंकि वैल्यू फिक्स कर दी मैंने। तो हमें कभी भी इफ़ के अंदर इस तरह फिक्स वैल्यू आमतौर पर नहीं लगाई जाती है, ठीक है। आमतौर पर इसके अंदर वेरिएबल ही होता है, क्योंकि वेरिएबल का हर दफ़ा वैल्यू अलग अलग देगा यूज़र, तो हर अलग अलग रिजल्ट आएगा। अगर वैल्यू सेम हो गई तो फिर तो रिजल्ट चेंज हो गई नहीं। वेल, मैं इसको वापस वही कर देता हूँ जो ये था, इनपुट नम वन। अच्छा, अब मेरा एक सवाल है, अगर यूज़र यहाँ पे 50,000 इनपुट दे दे तो क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? एक दोस्त ने भी पीछे पूछा भी था सवाल। हाँ भाई, कितने लोगों का ख्याल है कि ये ट्रू है? क्योंकि फॉल्स तो कुछ लोग बोल रहे हैं। अच्छा, तो सबका ख्याल यही है कि ये फॉल्स है, अगर 50,000 यहाँ पे आ जाए तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। अच्छा, क्यों? ज़रा कोई भी एक एक्सप्लेन कर दे खड़ा होकर। हाँ ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अगर नंबर बड़ा होगा और यहाँ पे छोटा होगा जब ही ये स्टेटमेंट ट्रू होगी, ठीक है। तो जब 50,000 यहाँ पे आ रहा है तो ये वैल्यू बराबर तो हो गई है, लेकिन स्टिल ये वैल्यू छोटी नहीं है और ये वैल्यू बड़ी नहीं है, ये स्टेटमेंट स्टिल फॉल्स है। अब यहाँ पे मुझे ट्रू कराने के लिए ना एटलीस्ट 50,001 देना पड़ेगा एटलीस्ट, या मुझे 50,000.0001 एटलीस्ट देना पड़ेगा, जब जाके ये कंडीशन मेरी ट्रू होगी। क्योंकि 50,000 अगर दोनों तरफ आ गए तो फिर तो बराबर हो गई ना वैल्यू, तो क्या होगा, ये स्टेटमेंट फॉल्स ही रहेगी। अच्छा, इसको करने के लिए, अब इसको हैंडल करने के लिए क्या करूँगा, क्योंकि 50,000 तक तो वैलिड है ना, बंदे के कार्ड की लिमिट 50,000 है। अब मैं यहाँ पे क्या लगाऊँ ऐसा? अच्छा, अगर मैं ये कर दूँ, ये मसला हल हो गया मेरा? हाँ नहीं, ये करने से क्या मेरा मसला हल हो जाएगा या नहीं होगा, जो मैंने अभी किया है? मैंने वापस उसको 50,000 कर दिया। अच्छा, पहले तो जो पहले ओरिजिनल मेरा कोड था जो इससे पहले हमने चला के देखा था, अभी मैं इसको उस सिचुएशन में ही पहले रन करके देखता हूँ कि होता क्या है। रन करके देखता हूँ इसको कि भाई जब 50,000 कोई देता है इनपुट, ठीक है, 49,000 पे तो ये बोल रहा है कि यू आर विद इन द लिमिट। अभी 50,000 जब मैं डालूँगा तो फिर ये क्या बोलता है? नहीं, 50,000 ही है, विद इन द लिमिट क्यों आ रहा है? वो कोड मैंने सेव नहीं किया क्या? सेव तो किया। ओ अभी कोडिंग में इतना अच्छा हो गया हूँ ना, मैं एक्सपर्ट हो गया हूँ कि बगैर सोचे समझे भी ना कोडिंग ऐसी होती है परफेक्ट वाली। वेल तो असल में वो मैंने रखा ही उसको एल्स में, तो इसलिए मेरे लिए प्रॉब्लमेटिक नहीं हो रहा है, वो 50,001 पे ही जाके फॉल्स होगा। अभी मुझे इसको ना ये वाली चीज़ रिक्रिएट करने के लिए मुझे उसको पलटना पड़ेगा, ठीक है। 50,001 पे ये जा गया ना, फेल हो गया। हाँ, मुझे इसको कंडीशन को पलटना पड़ेगा। वेल, अभी तो ये बिल्कुल सही चल रहा है, क्यों कि 50,000 तक मुझे ये वाले को फॉल्स ही रखना है ना, 50,001 पे जाके इसको मुझे ट्रू करवाना है, क्योंकि इसमें मैंने कहा ओवर द लिमिट, तो ये ओवर को चेक कर रहा है, अंडर को ये चेक नहीं कर रहा, ये अंडर को चेक नहीं कर रहा, इसलिए मेरा कोड सही चल रहा है, 50,000 पे भी सही चल रहा है। अच्छा, वेल, पॉइंट समझाने का ये था कि जहाँ पे भी लगा हुआ होगा ग्रेटर देन या स्मॉलर देन, वहाँ पे वो स्मॉलर देन में वाकई स्मॉलर होना चाहिए, अगर वो बराबर हो गया तो स्मॉलर नहीं है फिर वो, या ग्रेटर देन कहीं लिखा हुआ तो वो वाकई में ग्रेटर देन होना चाहिए, एटलीस्ट एक बड़ा होना चाहिए। अगर वो इक्वल है तो इक्वल ग्रेटर नहीं होता, सही है, वो इक्वल में आ जाएगा लेकिन ग्रेटर में नहीं आएगा। अच्छा वेल, तो अभी हमने जो इतना जो कोड लिखा है यहाँ पे,
इसमें हमने क्या किया, नई चीज़ सीखी है। नंबर एक बात हमने सीखा कि इफ़ के नाम से एक कीवर्ड होता है, उसको लिखने का एक ख़ास तरीका होता है। उसको लिखने का एक ख़ास तरीका क्या होता है कि पहले इफ़ लिखेंगे, गोल ब्रैकेट स्टार्ट, गोल ब्रैकेट ख़त्म, ठीक है, और बीच में इसकी बॉडी है, ये इसकी बॉडी स्टार्ट, ये इसकी बॉडी ख़त्म। ये इसको लिखने का एक ख़ास अंदाज़ है। हर दफ़ा आपको ये इसी तरह से लिखना होगा, ठीक है ना। इफ़ की बॉडी आपको बनानी पड़ेगी, ऐसे गोल ब्रैकेट आपको देनी पड़ेगी, इसके अंदर बीच में कंडीशन आएगी। अच्छा, फिर उसके बाद एल्स एक कीवर्ड होता है, ठीक है। अच्छा, ज़रूरी नहीं है मैं इफ़ के साथ एल्स लगाऊं, लेकिन एल्स भी लगा सकता हूं मैं। अभी हम और डिटेल में पढ़ेंगे तो अभी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो एक एल्स है, अगर इफ़ अगर मेरा ट्रू नहीं होता है तो उस सूरत में एल्स चलेगा। अच्छा, अगर इफ़ ट्रू हो जाता है तो एल्स नहीं चलेगा, फिर इफ़ चलेगा। तो पता ये चला कि इन दोनों में से एक वक्त में कोई एक चलेगा, इन दोनों में से एक वक्त में कोई एक चलेगा। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि दोनों चल जाएं, ऐसा कभी भी नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, और ये डिसाइड कैसे होगा, ये डिसाइड होगा कंडीशन से, कि कंडीशन आपने यहाँ पे क्या दी है, उससे डिसाइड होगा कि इफ चलेगा या एल्स चलेगा, ठीक है। अच्छा, ये कंडीशन किस पे बेस कर रही है, यूज़र के इनपुट पे। यूज़र अपना इनपुट चेंज करेगा तो इसका भी रिजल्ट चेंज होगा। हो सकता है कभी इफ़ चले, हो सकता है कभी एल्स चले, ऐसा कभी भी नहीं होगा कि दोनों चल जाए, कभी भी नहीं होगा, ठीक है। ये जावास्क्रिप्ट के अंदर ये बात फीड हुई हुई है कि दोनों एक साथ कभी भी नहीं चल सकते। अच्छा, उसके बाद हमने क्या देखा कि एक रिजल्ट के नाम से वेरिएबल था, जिसमें मैं क्या कर रहा था, इफ़ की बॉडी में उसमें कोई अलग वैल्यू डाल रहा था, एल्स के अंदर उसमें कोई मैं अलग वैल्यू डाल रहा था। तो जो चलेगा वही वाले का कोड एग्जीक्यूट होगा और वही वैल्यू रिजल्ट में जाएगी। बाद में मैंने उसको डिस्प्ले करवा दिया स्क्रीन के ऊपर, सही है, क्लियर बिल्कुल। अच्छा, इसको हम चला के भी देख चुके हैं। इसके हवाले से किसी का अगर कोई सवाल है तो वो प्लीज़ पूछे। अच्छा, फिर अगर किसी का कोई सवाल नहीं है तो मैं एक एक करके सवाल पूछना शुरू करूँगा। जी, हाँ, ये प्यारे दोस्त, लास्ट क्लास में हमने ये चीज़ पढ़ी थी, ये आउटपुट देने का तरीका है, ठीक है। लास्ट क्लास में हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि इनपुट कैसे लिया जाता है और आउटपुट कैसे दिया जाता है। तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ दोबारा क्या हो रहा है। डॉक्यूमेंट, जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले भी अभी आज रिपीट भी किया था, डॉक्यूमेंट का मतलब है पूरा HTML का डॉक्यूमेंट। क्वेरी सेलेक्टर का क्या मतलब है कि कुछ ढूंढना चाह रहा हूँ मैं उसमें से। अच्छा, और मैंने कहा हैश सम रिजल्ट, इस नाम से ID होगा कोई इस डॉक्यूमेंट में, वो मैं ढूंढना चाह रहा हूँ। तो इस नाम से मेरे पास एक है, देख लेता हूँ ऊपर, जी मौजूद है यहाँ पे इस नाम से। तो ये पूरा एलिमेंट जो कि क्या है, एक H1 का एलिमेंट है, ये पूरा एलिमेंट उठ के कहाँ आ गया, इस वेरिएबल के अंदर आ गया, जो मेरे लाइन नंबर 38 में ये मैंने बनाया है, इस वेरिएबल के अंदर आ गया। अच्छा, अब ये जो वेरिएबल है ये डायरेक्टली कनेक्टेड है किससे, उस H1 से। इस वेरिएबल में मैं जो चेंजेस करूँगा वो रिफ्लेक्ट कहाँ पर होगी, उस H1 के एलिमेंट पर रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है। तो मैंने कहा सम रिजल्ट एलिमेंट डॉट इनर टेक्स्ट, के वो जो एलिमेंट है ना उसके अंदर का जो टेक्स्ट है उसको चेंज करो। अच्छा, इन जो इनपुट बॉक्सेस वगैरह होते हैं उसके अंदर होती है डॉट वैल्यू, ठीक है, क्योंकि उसमें वो यूज़र का इनपुट वाला चक्कर होता है। जो इनपुट के अलावा जितने भी हैं उनमें सब में इनर टेक्स्ट और इनर HTML होता है, ठीक है। तो मैंने इनर टेक्स्ट लिख दिया और मैंने इनर टेक्स्ट करके उसमें एक नई वैल्यू उसको असाइन की, उस H1 को। पहले से वो H1 में क्या लिखा हुआ था, खाली था, कुछ भी नहीं लिखा हुआ था, ठीक है। इस H1 में पहले से तो कुछ नहीं लिखा हुआ ना, खाली था ये। अच्छा, खाली था तो ये स्क्रीन पे नज़र भी नहीं आ रहा था। अभी मैंने इसके अंदर एक नई वैल्यू असाइन की है, क्या, रिजल्ट। रिजल्ट क्या है, एक स्ट्रिंग है, एक जुमला है, एक सेंटेंस है, मेरे इफ़ की स्टेटमेंट का जो भी रिजल्ट आया था वो था, ठीक है। इसमें आया कि या तो लिखा हुआ होगा कि यू आर अंडर द लिमिट और ओवर द लिमिट। तो वो पूरा जो स्ट्रिंग था, वो पूरा जो टेक्स्ट था, मैंने किस में डाल दिया, उस एलिमेंट के इनर टेक्स्ट में डाल दिया, ठीक है। तो ये जो इसके अंदर मैंने चेंजेस किए हैं, इसका रिफ्लेक्शन मुझे कहाँ पे दिख जाएगा, फौरन उस H1 के एलिमेंट पे जो मेरे स्क्रीन पे मौजूद था, इसके अंदर मुझे इसका रिफ्लेक्शन फौरन नज़र आ जाएगा, ठीक है। रिफ्रेश किया मैंने, शुरू में देखो H1 नज़र नहीं आ रहा, मैंने लिखा 23 और एंटर, ठीक है, अमाउंट इज़ विद इन द लिमिट। समझ में आया ये सबको, जी दोस्त।
नहीं, असल में मैं ये बताना चाह रहा था कि यहाँ पे जो आपकी वैल्यू आएगी ना, क्योंकि इंडिकेटर आपका क्या बोल रहा है कि इस तरफ जो वैल्यू है वो बड़ी है और इस तरफ जो वैल्यू है वो छोटी है, तो फिर आप बोलोगे भाई ओवर द लिमिट, समझ रहे हो? सॉरी, हाँ, अगर मैं इसको पलट दूँ ना तो फिर मुझे 50,000 वन करना पड़ेगा। चलो पलट देते हैं, ये लो, इसको मैं कर देता हूँ, ये कर देता हूँ, सही है, और ये रिजल्ट को मैं ऊपर ले आता हूँ, ये वाले को मैं नीचे ले जाता हूँ। अभी मैंने क्या बोला कि अमाउंट अगर छोटा हो तो विद इन द लिमिट बोलो, मैंने पलट दी कंडीशन, जो एल्स में था उसको इफ में ले गया, जो इफ में था उसको एल्स में ले गया, और यहाँ पे फिर मैंने स्मॉलर लगा दिया, पहले ग्रेटर लगा हुआ था, अभी मैंने सिंबल भी चेंज कर दिया, ये सेम कोड है, लेकिन अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, विद इन द लिमिट में अगर मैंने 50,000 लिखा तो 50,000 पे क्या आना चाहिए, द अमाउंट इज़ विद इन द लिमिट। यहाँ पे अगर मैंने यूज़र ने इनपुट दिया एक्चुअली 50,000, तो उस पर क्या आना चाहिए, विद इन द लिमिट, लेकिन ये तो फॉल्स हो जाएगा 50,000 पे, फॉल्स हो जाएगा ना, फॉल्स इसलिए हो जाएगा कि 50 ये इधर वाली वैल्यू इस इंडिकेटर के मुताबिक इधर वाली वैल्यू छोटी होनी चाहिए, इधर वाली वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, जब ये जाके ट्रू होगा तो ये आपका 4999 तक तो ये ट्रू रहेगा, 40,000 30,000 20,000 कुछ भी लिखा बंदे ने वो विद इन द लिमिट रहेगा, 49,999 तक भी ट्रू रहेगा वो, 50,000 पे फॉल्स हो जाएगा जाके वो, ठीक है? पहले असल में मैंने कंडीशन उल्टी लगाई थी, इस वजह से वो फील नहीं हो रहा था, मैंने एल्स पे रखा हुआ था उसको, ठीक है? एक ही है दोनों, बेहतर तो नहीं है। नहीं, वो तो मैंने वेरिएबल बना दिया ना, ऊपर वेरिएबल क्रिएट कर दिया मैंने ऊपर, हाँ तब भी वो ऐसे ही काम करेंगे। सवाल लेकिन तुम्हारा अच्छा है कि अगर मैं ये वेरिएबल यहाँ ना बनाऊँ, मैं इसके अंदर ही लेट लगा दूँ और यहाँ पे भी लेट लगा दूँ, फिर क्या होगा, क्या ये एरर है? क्योंकि एक नाम से दो बार तो वेरिएबल डिक्लेयर होते नहीं है, कौन ये बताएगा कि क्या ये एरर है? क्योंकि ये बात मैं शुरू में बता चुका हूँ कि एक नाम से वेरिएबल दो दफ़ा डिक्लेयर नहीं होते। लेकिन यहाँ पे अब ये भी एक सवाल है कि यार एक वक्त में तो एक लाइन चल रही है ना, दोनों लाइन तो चल नहीं रही, दोनों लाइन तो चल ही नहीं रही, एक वक्त में तो एक ही लाइन चल रही है, तो अभी इस केस में क्या ये एरर है? हाँ, कंडीशन के अंदर कॉल करें, क्या मतलब? अच्छा, हडूप का नहीं मुझे आइडिया, यहाँ पे मुझे बताओ कैसे करके बोल रहे हो, अभी जो लिखा है इसी की बात कर रहे हो? हाँ, तो मैं ये तो लिख दिया ना मैंने, यही तो पूछ रहा हूँ मैं कि ये एरर है या नहीं है इसमें, यहाँ पे क्रिएट कर दूँ ये कह रहे हो? नहीं, कॉल तो मैं कर सकता हूँ, कॉल तो किया हुआ था ना पहले मैंने, ये इनपुट नम वन जो है ये मैंने यहाँ पे कॉल तो किया हुआ है, एक वेरिएबल है उससे मैं कंपेयर करवा रहा हूँ एक नंबर को, ये जो लेट लगा के ना इसको कॉल करना नहीं बोलते, इसको डिक्लेयर करना बोलते हैं या क्रिएट करना बोलते हैं, इसकी बात कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं क्रिएट भी कर सकता हूँ, ऐसा कोई मसला नहीं है, वेल अभी वो कॉम्प्लिकेशंस बढ़ेंगी बिला वजह, बट अभी ये वाला मुझे बताओ, क्योंकि इससे एक टॉपिक है जो अभी डिस्कस हो जाएगा हाथ के हाथ, कितने लोगों का ख्याल है कि ये एरर है? ऐसे ब्रेनस्टॉर्मिंग का क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं उनको पहले से भी जावास्क्रिप्ट यहाँ पे आती है इस क्लास में, तो ज़रा वो भी टेस्ट हो जाएगा कितनी आती है है ना जी दोस्त? बात इन्होंने वैसे अच्छी की है, कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में ना ऐसा होता है कि आप जब किसी ब्रैकेट के अंदर बनाते हैं ना वेरिएबल, तो वो ब्रैकेट से बाहर वो एक्सेसिबल नहीं होता, ठीक है? अभी वो इफ़ की ब्रैकेट है
हमने उसके अंदर इसको डिक्लेयर किया है इस वेरिएबल को। तो कुछ लैंग्वेजेस में ऐसा होता है कि वो इफ से बाहर फिर एक्सेसिबल ही नहीं होता, उसका स्कोप वहीं तक रहता है, ठीक है। जैसा कि सी लैंग्वेज, उसके अंदर अगर आपने इफ की ब्रैकेट के अंदर कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया है तो वो बाहर आपको नहीं मिल रहा होता, जहाँ तक मुझे याद है, क्योंकि सी लैंग्वेज भी मैंने 10 साल पहले की थी। तो वेल जावास्क्रिप्ट के अंदर लेकिन ऐसा नहीं है। जावास्क्रिप्ट के अंदर जो वेरिएबल का स्कोप है वो फंक्शन की ब्रैकेट तक तो रहता है, यानी फंक्शन के अंदर मैंने जो किया है वो बाहर नहीं मिलेगा, ठीक है। लेट से अगर बनाया है तो, ठीक है, लेट जो नया वाला है उसकी बात हो रही है, पुराने वाले की अभी बात नहीं कर रहा। अच्छा, और क्या कहते हैं, इफ़ के अंदर लेकिन अगर मैंने बना दिया ना कुछ तो वो मुझे बाहर एक्सेसिबल रहेगा स्टिल, नहीं फंक्शन से बाहर नहीं, क्योंकि ये इफ़ के अंदर है तो एटलीस्ट फंक्शन के तो अंदर हम इसको समझेंगे ही ना फिर भी। तो ये जितने भी वेरिएबल मैं फंक्शन के अंदर बना रहा हूँ ना, ये जो फंक्शन के अंदर जितने भी वेरिएबल बना रहा हूँ ये मुझे फंक्शन के बाहर अवेलेबल नहीं मिलेंगे, ठीक है। वेल तो बट स्टिल तुक्का लगाओ, सोचो थोड़ा, दिमाग पर जोर डालो कि क्या ये एरर होना चाहिए। नहीं मैं बोल नहीं रहा हूँ, मैं तो पूछ रहा हूँ। अच्छा, ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, ये तो मैं क्लियर कर दूँ कि ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, बट इससे होगा क्या, इसका रिजल्ट क्या निकलेगा। कोई है यहाँ पे जिसने जावास्क्रिप्ट वगैरह पहले से पढ़ी हुई है, या कोई कंप्यूटर साइंस का ग्रेजुएट? नहीं मतलब ऐसी यूनिवर्सिटी के 4-5 सेमेस्टर या 2-3 सेमेस्टर हो गए, है कोई ऐसा? कोई नहीं हाथ उठा रहा, क्या पीछे पलट के देख रहे हो, एक भी हाथ नहीं खड़ा कर रहा कोई। वेल अच्छा, ये तो मैं मान नहीं सकता कि यहाँ पे कोई यूनिवर्सिटी का लड़का नहीं बैठा हुआ, सारे ये देखो ये बैठा हुआ है ना लगा के, तुम्हारी बात कर रहा हूँ पलट के देख, ये क्या लगाया हुआ तुमने कार्ड? अच्छा यहाँ पे कार्ड। ऐसा कैसे हो सकता है इतनी बड़ी क्लास में यूनिवर्सिटी का कोई लड़का ही नहीं है? हाँ तो यूनिवर्सिटी में पढ़ाते तो हैं जावास्क्रिप्ट, वो वेब प्रोग्रामिंग है? नहीं वेब प्रोग्रामिंग पढ़ाते तो हैं। अच्छा अच्छा, तो मतलब इस पूरी क्लास में कोई सीएस का बंदा ही बैठा हुआ ही नहीं है कंप्यूटर साइंस का यूनिवर्सिटी का? हाँ उठने शुरू हुए हाथ। अच्छा वेब प्रोग्रामिंग तो पढ़ी होगी, उसमें जावास्क्रिप्ट तो पढ़ी होगी, थोड़ी बहुत तो पढ़ाई होगी उन्होंने। वेल चलो चला के देखते हैं इसको क्या होता है। मैंने यहाँ पे लिखा 40 लिख दिया, सही है, और चेक का बटन दबाया, ये आ गया एरर। इस एरर के अंदर क्या लिखा हुआ है? नॉट डिफाइंड। अभी हम वही इसको भी डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा अब यहाँ पे जो है ना, हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करने वाले हैं कि जावास्क्रिप्ट में ना वेरिएबल बनाने का एक तरीका होता है वार, सही है, वो बुक में भी लिखा हुआ था वार वाला। एक है तरीका लेट, हमारा वाला जो ES6 में इंट्रोड्यूस करवाया गया, जो नया वाला तरीका है। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है? इन दोनों में नंबर एक फ़र्क ये है, अच्छा अगर मैं इसको वार कर दूंगा ना तो भी ये एरर दे देगा, ये हो सकता है चलने से भी पहले एरर दे दे, ठीक है। अगर मैं वार कर दूंगा ना अभी तो फिर भी मुझसे इसने वैल्यू शायद इनपुट ले ली, अनडिफाइंड नहीं, इसमें तो ये बोलेगा कि दो अलग अलग वेरिएबल हैं, इसका नाम चेंज करो, नहीं बोला इसने, अभी बोलेगा। ये तो मेरे साथ प्रैंक कर दिया इसने। अच्छा वेल, तो पॉइंट मेरा ये था कि मैं कॉन्सेप्ट तो बाहर बताऊँ तुम लोगों को। अच्छा एक होता है वार करके वेरिएबल बनाने का तरीका, अभी इस पर गौर करते हैं कि ये ऐसा इसने एरर क्यों नहीं दिया, हालांकि उसको देना चाहिए था। जैसा मैं बता रहा था ना, ये कभी प्रोग्रामिंग में होता है कि आप बोलते हो ये चल क्यों नहीं रहा। सही है, तो आपको आपको लगता है कोड तो बिल्कुल सही है यार, ये चल क्यों नहीं रहा, तो उसको डीबग करते हो आप। अच्छा मैंने साथ साथ बताया था कि कभी कभी आपको आप बोलते हो ये कोड चलना नहीं चाहिए, ये चल कैसे रहा है, तो ये वो सिचुएशन आपके सामने लाइव आ गई कि इस कोड को चलना नहीं चाहिए था लेकिन वो चल रहा है, ठीक है। अभी गौर करते हैं उस पर कि क्यों चल रहा है। तो अच्छा, तो हम क्या डिस्कस कर रहे थे, एक होता है वार के नाम से, जो वार करके बनते हैं ना वेरिएबल, उसके अंदर परफॉर्म होती है होइस्टिंग,
अच्छा होस्टिंग क्या चीज़ होती है? होस्टिंग ये होता है कि आपका प्रोग्राम, पूरा प्रोग्राम चलने से भी पहले कंपाइलर जो है आपका, कंपाइलर तो नहीं, ब्राउज़र है आपका जो गूगल क्रोम, वो पूरे कोड में से ना चुन चुन के ये वार वाले वेरिएबल उठाता है और उसको डिक्लेयर कर देता है। सही है, उसको क्या कर देता है? डिक्लेयर कर देता है। यही वजह है कि वार करके अगर कोई वेरिएबल बना हुआ है वो डिक्लेयर बाद में और वो प्रिंट पहले हुआ हुआ तो वो प्रिंट सही हो जाता है। सही है। अच्छा वेल, लेकिन हम वार करके वेरिएबल को अब इस्तेमाल आमतौर पर नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते? जो वार का जो स्कोप है ना, वो स्कोप के बड़े मसले हैं इसके अंदर। ठीक है, वार का जो स्कोप है वो फंक्शन का है। अच्छा, फंक्शन में भी सम टाइम ऐसा होता है, अभी इसको डिटेल में नहीं डिस्कस कर रहे हैं कि अब कब ऐसा होता है कब नहीं होता, लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि वो फंक्शन के अंदर बना हुआ होने के बावजूद भी बाहर मिल रहा होता है। ठीक है, सम टाइम ऐसा होता है कि वार करके जो वेरिएबल बना हुआ है, ये मैं बैकग्राउंड बता रहा हूँ थोड़ा, फिर हम इस नए वाले पे भी आते हैं। सम टाइम ऐसा होता है कि फंक्शन के अंदर बना हुआ है और उसका स्कोप फंक्शन तक होता है, लेकिन उसके बावजूद वो फंक्शन के बाहर भी मिलना शुरू हो जाता है, तो उससे थोड़ी सी प्रॉब्लम होती हैं बहुत सारे डेवलपर्स को, बहुत सारी फंक्शनैलिटी अचीव करने में थोड़ा चीज़ों को ना ज़बरदस्ती करनी पड़ती है फिर इसके साथ। ठीक है, वो दिस करके, वो जो पुरानी कुछ बुक्स होंगी ना जो उसमें आप देखेंगे, दिस को वो रिज़र्व कर लेते हैं और वो VM करके या स्कोप करके वो एक वेरिएबल बना के उसमें दिस डाल के फिर बाहर बाहर पता नहीं क्या किया, बहुत जुगाड़ें करनी पड़ती हैं उसमें। तो इस वजह से जो वार वाला तरीका है उसकी रिप्लेसमेंट में ये नया तरीका इंट्रोड्यूस करवाया गया है, लेट। अच्छा, लेट का जो स्कोप है, सबसे पहली बात तो इसमें होस्टिंग वोस्टिंग परफॉर्म नहीं होती ना। ठीक है, ये जब वेरिएबल वो उस जगह पे पहुंचेगा, जब ही बनता है ये, इस पर होस्टिंग परफॉर्म नहीं होती है। अच्छा, दूसरा ये कि ये जो लेट है इसका जो आपका स्कोप है वो जो स्टैंडर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में जो वेरिएबल का स्कोप होता है ना, वही इसके अंदर भी है। ठीक है, स्टैंडर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर वेरिएबल का स्कोप क्या होता है? वेरिएबल का स्कोप ये होता है कि जिस ब्रैकेट में भी वो बनी हुई है, ये जो कर्ली ब्रेसेस की जो बॉडी है उससे बाहर वो अवेलेबल नहीं होगा। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड स्कोप है, इसने बहुत सारे मसले हल कर दिए। ठीक है, यही वजह है कि जब मैं यहाँ पे लेट करके इसको बना रहा हूँ तो यहाँ पे जब मैं बोल रहा हूँ ना रिजल्ट को कंसोल कराओ, तो ये बोल रहा है रिजल्ट कौन सा रिजल्ट, ये तो मुझे पता ही नहीं चल रहा रिजल्ट कौन सा है, क्योंकि वो ब्रैकेट का जो स्कोप है ना, इसका स्टैंडर्ड स्कोप है जो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऑलमोस्ट होता है, वही इसका स्कोप है। अच्छा, पाइथन को छोड़ के, पाइथन में भी ये मामला थोड़े उल्टे हैं बिल्कुल ना, मतलब वेरिएबल बनाओ कहीं और सब जगह मिल रहा होता है वो। तो ये स्टैंडर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब है मैं सी लैंग्वेज, जावा, सी शार्प, सी प्लस प्लस, इनकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, जो स्टैंडर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पिछले जो 20 साल जो हमारा रहा है, जो कंप्यूटिंग का जो क्या उसको बोलेंगे हम, जो फर्स्ट जनरेशन रहा है कंप्यूटिंग का, फर्स्ट नहीं एक्चुअली थर्ड जनरेशन रहा है, तो एक्चुअली थर्ड जनरेशन में ही ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस वगैरह बनी थी, उससे पहले ये दूसरे तरीके से करते थे काम। तो ये जावास्क्रिप्ट भी थर्ड जनरेशन में ही शामिल है, थर्ड जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं इसे। तो ये थर्ड जनरेशन की जो स्टैंडर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना, मेन स्ट्रीम, ये यही है, सी है, सी प्लस प्लस है, सी शार्प है, जावा है, और अब जावास्क्रिप्ट भी उसके अंदर शामिल है। ठीक है, उसको बोलते हैं वैसे जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अच्छा, पाइथन भी उसमें शामिल है, लेकिन पाइथन के भी ये मसले हल हो जाएंगे आज ना कल, अभी तो उसमें वो 2.7 से वो उन्होंने जो 3.7 किया ना, तो आधी आवाम तो उसी में झगड़ रही है आपस में। तो अभी उसमें दो ब्रांचेस हैं, जो साइंटिस्ट है वो बोलते हैं नहीं वो 2 वाला जो था ना वर्जन वो सही था, उसमें सिंटैक्स थोड़ा अलग है। जो डेवलपर हैं हमारे जैसे लोग हैं नए वाले, वो कहते हैं नहीं यार ये 3 वाला जो है ना, 3.7 3.8 जो है ये सही है, अब लड़ रहे हैं दोनों। अच्छा, अभी भी कुछ बहुत सारे सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जो 2.7 को सपोर्ट करते हैं, वो 3 को नहीं। तो बहरहाल उसमें अब ये मसले हैं, ओपन सोर्स वाले में ना ये चीज़ें रहती हैं थोड़ी, वो कम्युनिटी कह रही नहीं हम इसको होल्ड करके रखेंगे, हम 2.7 को कहीं नहीं जाने देंगे। ठीक है, तो अभी कर लो आप। तो अभी इससे होता क्या है, वो फिर कंपनीज़ के लिए थोड़ी डिफिकल्टी होती है, अच्छा यार किसको सपोर्ट दें, तो जो जिनके लिए पॉसिबल है वो दोनों को सपोर्ट देते हैं, जिनके लिए नहीं पॉसिबल है जैसे टेंसर फ्लो है, वो कहते हैं यार बस 3.6 पे ही चलेगा, 2 वो पे नहीं चलेगा,
सही है, तो कुछ ऐसे हठधर्मी भी है। गूगल है भाई, कहना है हमारा यूज़ करना है तुम्हें, टेंसर फ्लो करो, नहीं करना है ठीक है छोड़ दो हमारे पास बंदों की कमी नहीं है। वेल तो ये भाई स्टैंडर्ड जो स्कोप होता है ना, वो यही होता है कि किसी भी ब्रैकेट के अंदर अगर वेरिएबल बना हुआ तो वो बाहर एक्सेसिबल नहीं होगा। तो लेट के आने की वजह से स्कोप के मसले बहुत सारे हमारे हल हो गए, और हम इस कोर्स में वार की तरफ नहीं जाएंगे, हम लेट ही पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा तो हमारे पास हो रहा क्या है, हमारे पास ये क्योंकि एक वक्त में एक लाइन चल रही है, दोनों एक साथ नहीं चल रही, तो अगर दोनों चलेगी ना तो फिर तो ये एरर हो जाएगा कि भाई ये रिजल्ट एक बना हुआ है और तो दूसरा रिजल्ट कैसे बना रहे हो आप, वो नहीं बना सकते। ठीक है, एक तो ये है, लेकिन एक वक्त में चल रहा एक है, दोनों चल नहीं रहा, वेरिएबल डिक्लेयर हो जा रहा है, वैल्यू भी चली जा रही है, मगर मसला ये इस इफ से बाहर ये मिल ही नहीं रहा मुझे, तो मैं इसको प्रिंट कैसे करवाऊँ, इसको प्रिंट करवाना है या स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाना है या कहीं कुछ और कोई भी काम करना है, तो वो मैं कैसे करूँ, तो उसके लिए फिर मैं क्या करूँगा, इसको बाहर में डिक्लेयर करूँगा जैसे मैंने पहले किया था। ठीक है, डिक्लेयर किया मैंने जस्ट बाहर, और एक एम्प्टी स्ट्रिंग दे दिया जस्ट टू इंडिकेट कि भाई इसमें स्ट्रिंग रखा जाएगा। एक वो कहते हैं ना कि भाई चिंपैंजी कैन ऑल्सो राइट कोड, तो ये ह्यूमन रीडेबिलिटी की वजह से मैंने इसके अंदर ना एम्प्टी स्ट्रिंग रखवा दिया कि ह्यूमन रीडेबल रहे, जो भी देखे उसको पता चले अच्छा एम्प्टी स्ट्रिंग है तो इसमें स्ट्रिंग ही रखा जाने वाला है। अगर इसमें नंबर का केस होता तो मैं इसमें जीरो लगा देता। जी हमाद सर, हमाद ने आपके लिए बड़ा मुश्किल सवाल रेडी कर दिया। अच्छा इस कोड को देखो अच्छी तरह, अच्छा इस कोड में अगर मैं यूज़र इनपुट में जाके मैं लिखूं 40,000 तो क्या प्रिंट होना चाहिए रिजल्ट में स्क्रीन पर, 40,000 बताओ। ये असल में इफ को पढ़ते पढ़ते ना हम थोड़ा स्कोप, बीच में सवाल आ गया तो स्कोप को हमने डिस्कस कर लिया। मैं 40,000 इसमें लिखूंगा इनपुट, यूजर इनपुट की जगह पे 40,000 लिखूंगा तो क्या होगा। अच्छा ये ऐसे ही मैं ब्रेन स्ट्रोमिंग के सवाल पूछ रहा हूँ, थोड़ा आपको टेढ़ी मेढ़ी सिचुएशंस दे रहा हूँ, आमतौर पे इस तरह इतनी खतरनाक सिचुएशन आमतौर पे नहीं आती। ठीक है ना, जूनियर डेवलपर के लिए तो नहीं आती। जी क्या आवाज़ नहीं आ रही, ओवर द लिमिट प्रिंट हो जाएगा, 40,000 लिखूंगा भाई, अच्छा कोड में चेंज ये है वो भी समझा देता हूँ। यहाँ भी लेट लगा हुआ है, यहाँ भी लेट है, यहाँ भी लेट है, सब जगह लेट लगा हुआ है। अभी रिजल्ट के नाम से एक वेरिएबल डिक्लेयर हो गया ना यहाँ पे, अभी मिसाल के तौर पे ये ट्रू होता है क्योंकि मैं 40,000 लिखूंगा तो ये ट्रू होगा, तो ये लेट करके यहाँ पे एक और वेरिएबल बन रहा है किस नाम से, रिजल्ट के नाम से। एक तो सिचुएशन ये है कि यहाँ पे एरर आ जाए कि भाई रिजल्ट के नाम से तो पहले ही एक वेरिएबल है, आप क्यों बना रहे हो, क्या ये एरर आएगा, क्या लगता है आपको? हाँ नहीं, लेट करके अगर मैं दो बार करूँ ना, एक ही वेरिएबल को मैं दो बार डिक्लेयर करूँ, यानी एक ही नाम के वेरिएबल को दो बार मैं लेट डिक्लेयर थोड़ी कर सकता हूँ, वो एरर दे देगा कि यार इस नाम से पहले ही वेरिएबल बना हुआ है, ऐसा ही है ना। तो क्या यहाँ पे जो वेरिएबल डिक्लेयर हो चुका है जब यहाँ पे आके दोबारा डिक्लेयर होगा तो क्या एरर आ जाना चाहिए, क्यों नहीं आएगा, ब्रैकेट के अंदर है तो होपफुली एरर नहीं आना चाहिए। ठीक है, अच्छा अब दूसरा सवाल है कि प्रिंट क्या होगा, प्रिंट एग्जैक्टली क्या प्रिंट होगा, 40,000 इनपुट तो मैंने बता दिया ना, एग्जैक्टली क्या प्रिंट होगा ये अगर जिसने बता दिया तो फिर लेवल हो जाएगा, 40,000 ही होगा, नहीं 40,000 तो वैसे भी नहीं, अंडर द लिमिट या ओवर द लिमिट हो सकता है या कुछ और होगा इसके अलावा, वही तो पहुंच जाओ भाई, बहुत ऑब्वियस जवाब है इसका। एम्प्टी स्ट्रिंग
ये वाला अमाउंट इज विद इन द लिमिट। चलो करके देखते हैं करके देखते हैं। अच्छा ये ओवर द लिमिट भी नहीं होगा, अंडर द लिमिट भी नहीं होगा, देखते हैं क्या होगा। रिजल्ट क्या आ गया, एम्प्टी स्ट्रिंग प्रिंट हो गया, कुछ भी नहीं था तो एम्प्टी स्ट्रिंग प्रिंट हो गया। ऐसा क्यों हुआ कौन बताएगा आप में से, समझ तो आ गया होगा। असल में ये इस वजह से हुआ है कि देखो लेट करके यहाँ डिक्लेयर हुआ है वेरिएबल, ठीक है। अब जो दूसरा वाला लेट करके डिक्लेयर हो रहा है ना, वो कहाँ डिक्लेयर हो रहा है, वो एक ब्रैकेट के अंदर हो रहा है, उसका स्कोप अलग है। ये भी वेरिएबल बन गया, वो भी बन गया, लेकिन उसका स्कोप उस ब्रैकेट के अंदर अंदर ही है, समझ रहे हो। तो इस वजह से ये जो डिक्लेयर हुआ था ना, ये इसके अंदर ही रह गया, ये बाहर एक्सेसिबल होगा ही नहीं, समझ रहे हो बात। अच्छा फिर जब यहाँ पे प्रिंट होने की बारी आएगी तो इस लेवल पे जो एक्सेसिबल है वो कौन सा वाला है, वो ये वाला है, और इसके अंदर तो एम्प्टी स्ट्रिंग है और इसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं हुई, क्योंकि जिसकी वैल्यू चेंज हुई है वो तो दूसरा वेरिएबल है, वो अंदर है स्कोप के। अच्छा तो हमने सबसे पहली बात क्या डिस्कस की थी कि एक तो पुराना तरीका है वार, एक नया तरीका है लेट। पुराने तरीके पे होस्टिंग परफॉर्म होती थी, उसमें प्राइवेसी के इश्यूज थे, स्कोप कोई ठीक से उसमें होता नहीं था, स्कोप वाला काम। दूसरा हमने ये डिस्कस किया है कि लेट करके जो है इसमें स्कोप का जो सिस्टम है वो जो मेन स्ट्रीम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है थर्ड जनरेशन उसका वाला है, कि जो ब्रैकेट के अंदर वेरिएबल बनेगा उस ब्रैकेट के अंदर ही वो एक्सेसिबल होगा, उससे बाहर एक्सेसिबल नहीं होगा। अच्छा अब ये तीसरी बात जो मैंने अभी जो डिस्कस की है, ये हमने क्या डिस्कस किया कि अगर एक वेरिएबल, क्योंकि ब्रैकेट तो होंगी बहुत सारी, मिसाल के तौर पे एक मेरे पास स्कोप है इस फंक्शन का कि भाई इस फंक्शन के अंदर जो चीज़ बनी हुई है वो बाहर नहीं मिलेगी, ठीक है। अच्छा मैंने कहा लेट रिजल्ट इक्वल्स टू सम वैल्यू, अभी यहाँ पे रिजल्ट करके मैंने एक और वेरिएबल बना दिया, समझ लो। फिर इस फंक्शन के अंदर भी एक रिजल्ट करके वेरिएबल बना हुआ है, फिर इस ब्रैकेट के अंदर भी एक रिजल्ट करके वेरिएबल बना हुआ है। अब ये तीन रिजल्ट के नाम से वेरिएबल बन गए। जब मैं इस जगह पे प्रिंट करवाऊंगा ना इसको, तो मुझे ये वाला मिलेगा जो इस लेवल का, ऑब्वियस बात है, सही है। अच्छा जब मैं इसको प्रिंट करवाऊंगा इस जगह पे, तो मुझे कौन सा मिलेगा जो इस लेवल पे, सही है, क्लियर है ये बात। अगर मैं इसको प्रिंट करवाऊंगा इस जगह पे, तो मुझे कौन सा मिलेगा जो इस लेवल पे मौजूद है, यानी इस ब्रैकेट के अंदर जो मौजूद है, ऑब्वियस बात है, बहुत इसमें कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है। अच्छा जस्ट इन केस सबसे पहला वाला जो कॉन्सोल था, इस लेवल पे कोई रिजल्ट के नाम का वेरिएबल नहीं होता, अगर नहीं होता तो इसको क्या मिलता, जब कोई वेरिएबल नहीं होता है तो क्या मिलता है, अनडिफाइन मिलता है, सही है। कोई भी वेरिएबल अगर आपने डिक्लेयर नहीं किया तो वो आपको अनडिफाइन या नॉट डिफाइन इनमें से कोई एक वैल्यू मिलती है, वेल नॉट डिफाइन मिलता है, वेल तो कुछ ना कुछ मतलब एरर हो जाएगा, नहीं मिलेगी इसको ये वैल्यू, ठीक है। अच्छा वापस कर दिया मैंने, अब आ जाते हैं हम इस वाले लेवल पे। अगर इस लेवल पे कोई रिजल्ट के नाम का वेरिएबल नहीं हुआ तो इसको क्या मिलेगा, ये अपने पेरेंट स्कोप में जाके तलाश करेगा। अगर इसको यहाँ पे रिजल्ट नहीं मिला, ठीक है, तो ये अनडिफाइंड नॉट डिफाइंड नहीं होगा अभी, ये अपने पेरेंट स्कोप में जाके ढूंढेगा, अगर वहाँ मिल गया ना रिजल्ट के नाम से तो उसको ले लेगा, समझ लो। अच्छा वहाँ भी नहीं मिला अगर, तो फिर वो नॉट डिफाइन अनडिफाइन वाला हो गया कि भाई ये तो वेरिएबल मुझे नहीं मिल रहा। अच्छा कंट्रोल जेड फंक्शन से बाहर जाएगा, हाँ क्योंकि ये मेन स्कोप है ना, बिल्कुल मेन है, ये रूट है, अभी ये आ जाएगा ना आगे, स्कोप के अंदर की बात होती है ना, तो अंदर वाली चीजें नहीं लेता, अपने पेरेंट स्कोप की चीजें ले सकता है लेकिन अपने चाइल्ड स्कोप की चीजें नहीं ले सकता। अच्छा अब यहाँ पे हम आ जाते हैं, यहाँ पे अगर मैंने ये रिजल्ट को उड़ा दिया और यहाँ पे रिजल्ट को मैं प्रिंट करवा रहा हूँ, यहाँ रिजल्ट के नाम का कोई वेरिएबल इस स्कोप में नहीं है, तो ये क्या मिलेगा इसको, ये अपने पेरेंट स्कोप में देखेगा, यानी इस इफ का जो स्कोप है इसका पेरेंट स्कोप कौन सा वाला है, वो पूरा फंक्शन है बड़ा,
तो ये फंक्शन वाले में जाके ढूंढेगा, यहाँ पे रिजल्ट के नाम से एक वेरिएबल है तो वो इसको मिल जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे प्रिंट कर देगा उसको वो। जस्ट इन केस अगर इसको अपने पेरेंट स्कोप में रिजल्ट के नाम का ये वेरिएबल नहीं मिलता है जस्ट इन केस, तो फिर क्या होगा, ये और पेरेंट स्कोप में जाएगा, ये इस वाले को जाके उठाएगा, समझ लो। अब ये थोड़ा सा भी ओवरवेलमिंग लग रहा होगा, लेकिन ये स्कोप हमने पूरा डिस्कस कर लिया अभी इस पॉइंट पर, ठीक है। तो मैं इसको कंट्रोल जेड करके वापस उसकी हालत में ले आता हूँ, और इसके साथ जो भी हमने चीज़ें की हैं उसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। तो मैंने कहा लेट रिजल्ट जीरो, ये सब नीचे से मैं हटा देता हूँ, जो स्टैंडर्ड तरीका है जिस पे हम आमतौर पे कोडिंग करते हैं वो हमने देख लिया। अच्छा जी, अच्छा जी, तो अब मैंने ये प्रोग्रामिंग में ना एक होता है सीधे सीधे चलाना, ड्राइव करना, समझ रहे हो, एक होता है सीधे सीधे ड्राइव करना कि भाई मैं गाड़ी में बैठा हूँ, मैं इज्जत के साथ नॉर्मल स्पीड में ऐसे मज़े से जा रहा हूँ चलता हुआ, ठीक है, जहाँ सिग्नल आ रहा है वहाँ पे मैं रुक रहा हूँ, जहाँ पे जंप खड्डे आ रहे हैं मैं स्लो डाउन हो रहा हूँ, फिर जहाँ पे खुला रोड मुझे मिल रहा है थोड़ी सी मैं स्पीडिंग भी कर रहा हूँ, ये एक नॉर्मल स्टाइल में मैं ड्राइव कर रहा हूँ। तो एक तरीका होता है प्रोग्रामिंग में बिल्कुल नॉर्मल स्टाइल से प्रोग्रामिंग करना, ये कोड अभी उस स्टाइल में लिखा हुआ है, सही है, एक नॉर्मल सा स्टाइल है कोडिंग का, कोई इसमें मुश्किल चीज़ नहीं है। जो 5 मिनट पहले हम कर रहे थे ना ये स्कोप वाली चीज़ें डिस्कस कर रहे थे कि भाई यहाँ पे ये हो गया तो क्या होगा, वहाँ पे वो हो गया तो क्या होगा, ये हम कर रहे थे वन व्हीलिंग, ये हम क्या कर रहे थे, एक टायर पे बाइक चला रहे थे, वन व्हीलिंग, ठीक है, नहीं जुर्म तो नहीं है, खैर नहीं वो अभी हमारे यहाँ टेम्प्रोरीली किया हुआ, वैसे तो जुर्म नहीं है, अगर आप अपने प्राइवेट स्पेस में चला रहे हैं तो कोई मसला ही नहीं है। जो बाइक की रेस होती है उसमें आमतौर पे वो करते हैं विलिंग करते हैं, जो वो फिनिश में जब पहुंच जाते हैं ना थोड़ा वो शशके दिखाने के लिए, ठीक है, वो असल में रोड पे इसलिए है कि जाहिर है वो गिरेगा तो किसी के लग जाएगी बेचारे के, इसलिए वो मना किया वो वेल। अच्छा तो या जल बल्कि वन व्हीलिंग नहीं कहते इसको, ये थोड़ा सा गलत एग्जाम्पल यूज़ हो गई, इसको हम कहेंगे रैश ड्राइविंग। रश आवर्स होते हैं ना जो हमारे, जिसमें फुल ट्रैफिक भरा हुआ होता है, तो कुछ शपाटर होते हैं, शुप 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 निकलते हैं वो, सही है, तो एक होती है शपाटर ड्राइविंग, एक होती है नॉर्मल ड्राइविंग। तो हम जब 5-10 मिनट पहले जो चीज़ डिस्कस कर रहे थे ना हम, कि यहाँ पे ये हो गया तो क्या होगा, वहाँ पे वो हो गया तो क्या होगा, ये आमतौर पर इस तरह होगा नहीं, आमतौर पर आपको नॉर्मली ड्राइव करना होता है। जब आप कोई सॉफ्टवेयर बना रहे होते हैं तो आपको जितना जिस हद तक पॉसिबल हो सकता है आप नॉर्मल, यू स्टे ड्राइविंग नॉर्मल जिस हद तक पॉसिबल होता है। तो फिर हम वो बातें डिस्कस क्यों कर रहे हैं, तो वो हम बातें इस वजह से डिस्कस कर रहे हैं कि कभी कभी आपको रैश ड्राइविंग करना आपकी मजबूरी होती है, कभी कभी आपको रैश ड्राइविंग करनी पड़ती है, उसके बगैर फिर मसला हल नहीं होता। मिसाल के तौर पर कोई इमरजेंसी हो गई, आपको जल्दी से पहुंचना है कहीं, तो आपको रश ड्राइविंग करनी पड़ सकती है। या अगर मिसाल के तौर पे कोई भी इस तरह की सिचुएशन हो सकती है, किसी की तबीयत ख़राब हो गई, आप किसी को लेकर जा रहे हैं, तो आप जाहिर है जंप खड्डों पे स्लो होंगे ना, तो वो फिर मुनासिब नहीं है, तो थोड़ा आपको तेज़ चलाना पड़ता है। तो सम टाइम जाहिर है रोज़ तो आप नहीं किसी ज़ख्मी को ले कर जा रहे हॉस्पिटल, रोज़ तो आप घर से काम पे जा रहे हैं, काम से वापस घर आ रहे हैं, रोज़ तो ये हो रहा है, लेकिन किसी एक दिन ऐसा होगा कि आपको कोई इमरजेंसी होगी तो आपको रैश ड्राइविंग करनी पड़ सकती है। तो प्रोग्रामिंग करते हुए भी कभी कभी आपके पास ऐसी सिचुएशन आएगी कि आपको ना अगर ये स्कोप वगैरह ये चीज़ें अगर पता नहीं होंगी तो आप फंस जाएंगे, आप फंस जाएंगे और बुरी तरह फंस जाएंगे, फिर आपसे वो मसला हल नहीं होगा, ठीक है, इसलिए वो चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे हम, लेकिन जब भी इस तरह की कोई चीज़ होगी तो मैं मेंशन कर दूंगा कि ये रश ड्राइविंग हो रही है। असल में ये बताना भी इसलिए ज़रूरी है ये कि कहीं आप उस पर ज़्यादा टाइम ना लगा दें, उस पर इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगाना, वो बस पता होना चाहिए आपको कि अच्छा यार इस तरह कुछ होता है, जैसे स्कोप करके कोई एक चीज़ होती है, ये आपको पता होना चाहिए। अभी स्कोप काम कैसे करता है वो तो आप कभी भी देख लेंगे गूगल करके, ठीक है ना, W3 स्कूल पे जाके लिखेंगे यार
वेरिएबल का स्कोप जावास्क्रिप्ट का, नॉट अ बिग डील। या मिसाल के तौर पे होस्टिंग करके कोई चीज़ होती है, ठीक है, अभी होस्टिंग आपको पता होना चाहिए, अच्छा यार इस तरह का कुछ होता है, ठीक है, उस पर ग्रिप होना ज़रूरी नहीं है क्योंकि होस्टिंग वाली चीज़ तो वैसे ही एलिमिनेट हो गई है, वो हम यूज़ ही नहीं करते वार वाला वेरिएबल। अच्छा यार, तो हमने ये काफ़ी डिस्कशन कर ली, तो ये इस वक्त एक नॉर्मल हालत में लिखा हुआ है। अब मैं इस फंक्शन को ना ज़रा बंद करके मैं वैसे ही एक चलाता हूँ, क्योंकि अब जो हमें पोर्ट करना है ना, जल्दी जल्दी करना है, टाइम नहीं है हमारे पास, 5 मिनट 10 मिनट रह गए। और एक मैं यहाँ पे इफ़ लगा देता हूँ, और इस इफ़ के अंदर मैं क्या करता हूँ, कॉन्सोल डॉट लॉग इफ इज ट्रू, ये मैंने लिख दिया, ठीक है। अगर ये इफ़ ट्रू होगा, अच्छा इस इफ़ को मैंने देखो कहाँ लिखा है, फंक्शन के अंदर नहीं लिखा, ये मैंने बाहर लिखा है, तो जैसे ही मेरा कोड रन होगा ना, ये इफ़ फ़ौरन चल जाएगा। अच्छा, यहाँ पे आके अगर मैंने लिख दिया 1, अब मुझे बताओ क्या ये इफ ट्रू होगा, अच्छा ट्रू हुआ तो ये कॉन्सोल आ जाएगा कि इफ़ इज़ ट्रू या कंडीशन इज़ ट्रू, बेहतर वर्ड है। अब जहाँ पे कंडीशन लिखनी चाहिए थी वहाँ पे मैंने लिख दिया है 1, जस्ट 1, एक नंबर, एक वैल्यू 1 मैंने वहाँ पे लिख दी है। क्या ये इफ़ ट्रू होनी चाहिए या फॉल्स होना चाहिए, क्यों फॉल्स 0 होता है? अच्छा, बिल्कुल सही बताया कि 1 जो है वो ट्रू है, ठीक है, 0 1 से भी हम ऑन ऑफ भी समझ सकते हैं इसको, तो ये तो हमारा हो गया एक पहला स्टेप, ठीक है, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ट्रू होगा, कंडीशन इज ट्रू लिखा हुआ गया। हाँ, अभी आते हैं। अच्छा, अब अगर मैं लिख देता हूँ 2 यहाँ पे, अच्छा एक तो सिचुएशन ये है ना कि मैं यहाँ पे लिखा हुआ मैंने ट्रू, तो ये तो ट्रू है, सही है, ट्रू है, एक लिखा हुआ है फॉल्स, फॉल्स है, सही है, एक तो ये हो गया, तो ये तो हमें पता है कि अच्छा है जब ट्रू आएगा तो ट्रू है, फॉल्स आएगा तो फॉल्स है, ये तो हमें पता है। अच्छा, एक बूलियन वेरिएबल डिस्कस किए थे हमने क्या, हाँ ये भी अच्छा हुआ याद आ गया, नंबर स्ट्रिंग ये तो डिस्कस कर लिया था, बूलियन रह गया, लेट इज ओपन इक्वल्स टू ट्रू, ये जस्ट ऐसी ऐसे 2 मिनट की बात है। देखो, एक मैंने ये वेरिएबल बनाया, इसमें वैल्यू रखी मैंने ट्रू, सही है, अब ये ट्रू ना एक वैल्यू है, बाकायदा ट्रू और फॉल्स एक वैल्यू है जावास्क्रिप्ट के अंदर, ये इज ओपन जो है, अच्छा इसमें एक कन्वेंशन भी है, कन्वेंशन क्या है कि जो बूलियन वेरिएबल होता है उसके शुरू में हम इज लगाते हैं, आमतौर पर डेवलपर, ये प्रैक्टिस है डेवलपर्स की कि उसके शुरू में इज लगाते हैं कि क्या ओपन है तो ट्रू फॉल्स होगा, ठीक है। तो ये एक वेरिएबल बना, इसमें ट्रू या फॉल्स हो सकता है, बहुत सारी ऐसी जगहें होती हैं जहाँ पे हमें दो सूरत में वैल्यू चाहिए, जैसे मार्शल स्टेटस है, मार्शल स्टेटस होता है ना फॉर्म में कि भाई आप शादीशुदा हैं या सिंगल हैं, तो इज मैरिड ऐसे करके एक वेरिएबल हो सकता है, तो वो ट्रू फॉल्स के अलावा कोई पॉसिबल ही नहीं है उसमें वैल्यू, ठीक है, या इज पाकिस्तानी तो ट्रू फॉल्स होगा उसके अंदर, इज पाकिस्तानी अगर लिखा हुआ कहीं तो इस तरह बहुत सारे वेरिएबल होते हैं, तो ये बूलियन है, ठीक है। तो मिसाल के तौर पर इज ओपन अगर मैं डायरेक्टली यहाँ रख देता हूँ इस जगह पे, तो यहाँ पे क्या रिटर्न करेगा, ये जो वैल्यू है इसकी वो रिटर्न करेगा ट्रू, ठीक है, ट्रू की स्पेलिंग गलत कर दी है, सही है, इज ओपन लिखूंगा तो इज ओपन के अंदर ट्रू है, ट्रू आ जाएगा यहाँ पे, तो ट्रू आने की सूरत में क्या होगा, ये हर दफ़ा ये स्टेटस जो इसका ट्रू ही रहेगा, हर दफ़ा ये कंडीशन ट्रू साबित होगी, ठीक है। तो इज ओपन लिख के ज़रा एक बार चला के देख लेते हैं, रिफ्रेश किया, कंडीशन इज ट्रू लिखा हुआ है, ठीक है, अगर मैं हाथ से भी ट्रू लिख दूंगा तो भी कंडीशन इज ट्रू लिखा हुआ रहा होगा यहाँ पे, ठीक है, समझ गए ये वाली बात। अच्छा, अब हम आ गए, 1 लिखा था तो भी ट्रू आ रहा था, अभी 2 लिखूंगा तो क्या आएगा, बल्कि मैं एक काम करता हूँ, वेरिएबल 1 करके इसमें रखवाता हूँ वैल्यू, और ये वेरिएबल वहाँ रखूँगा, एक ही बात है भाई दर, ठीक है, ये मैं वेरिएबल यहाँ रखवा रहा हूँ, अब ये वेरिएबल क्या रिटर्न करेगा, जो भी इसमें वैल्यू होगी वो यहाँ पे रिटर्न हो जाएगी, वो इस जगह पे आ जाएगी। अच्छा, अभी मैंने 2 रख दिया इसमें, तो यहाँ कंडीशन में 2 इसको मिलेगा, तो 2 जब आएगा तो क्या होना चाहिए, फॉल्स क्यों होना चाहिए,
प्रोग्रामर्स, अच्छा जो कह रहे हैं ट्रू आएगा, प्लीज़ ज़रा थोड़ी सी कोई एक्सप्लेनेशन अगर आप बता पाएँ कि क्यों आएगा ट्रू। नहीं ये मैंने टू लिखा है अभी, जहाँ पे कंडीशन आना चाहिए था, क्योंकि इफ़ को यहाँ पे चाहिए या तो ट्रू या तो फॉल्स, इफ़ को यहाँ पे क्या चाहिए या तो ट्रू या तो फॉल्स, कोई तीसरी वैल्यू उसको चाहिए नहीं यहाँ पे, ठीक है ना। कोई तीसरी वैल्यू जब देते हैं ना तो ये वैसे भी नाराज़ होता है, ठीक है। अभी अब इसको कोई ना कोई वैल्यू यहाँ पे मिल गई है, अगर यहाँ पे वैल्यू मिली है टू, तो यहाँ पे दो सिचुएशन हो सकती है, या तो ये नाराज़ होकर एरर दे दे, बोले कि चलो भाई नहीं अभी मेरे को ट्रू फॉल्स ही ला के दो, सही है, एक तो ये हो सकता है सिचुएशन। दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि ये उसको या तो ट्रू या तो फॉल्स कंसिडर कर ले। तो जावास्क्रिप्ट एक काइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो इसके अंदर आमतौर पर जहाँ पे पॉसिबल होता है ना कन्वर्ट करना या एज्यूम करना, वहाँ पे ये आपको उसको उसको कन्वर्ट कर लेगी या तो ट्रू या फॉल्स। तो अब सवाल असल ये है कि ये टू को आया कि ट्रू में कन्वर्ट करेगा या फॉल्स में कन्वर्ट करेगा, अब ये है असल सवाल, इसको ये ट्रू में कन्वर्ट करेगा, सही है। चला के देखते हैं, इस कंडीशन इज ट्रू, ठीक है, मैंने रिफ्रेश किया, कंडीशन इज ट्रू। अच्छा अगर मैंने यहाँ पे लगा दिया माइनस टू या माइनस चलो फाइव लगा दिया, अब क्या होगा, अभी भी ट्रू रहेगा ये, ठीक है। अगर मैं इसको ज़ीरो लगा दूंगा ना तो ये फॉल्स हो जाएगा, सही है, वो प्रिंट नहीं आया तो मतलब एल्स तो है नहीं ना, सिर्फ इफ था, तो इफ ट्रू नहीं हुआ तो प्रिंट नहीं आया। अच्छा जावा स्क्रिप्ट के अंदर, अच्छा चलो अगर स्ट्रिंग लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, मैंने कहा मलिक, अब ये ट्रू है या फॉल्स है, अभी भी ट्रू है, सही है। तो जावा स्क्रिप्ट के अंदर सात ऐसी वैल्यूज हैं जिनको हम कहते हैं ये फॉल्सी वैल्यू है, ठीक है। हमने इतना सारा कुछ यहाँ पे ट्राई करके देखा ना, तो अभी हम इसको की कोई ऐसा रूल ऑफ थम होना चाहिए ना जिससे हम पता लगा लेंगे अच्छा किसको ट्रू किसको फॉल्स करेगा। तो रूल ऑफ थम क्या है कि जावा स्क्रिप्ट के अंदर सात ऐसी वैल्यूज हैं जो फॉल्सी हैं, उसके अलावा जितना भी कोई भी आ जाएगा वो सब ट्रू है। कौन सी है वो सात वैल्यूज, नंबर वन एम्प्टी स्ट्रिंग, नंबर दो ज़ीरो, नंबर थ्री फॉल्स, खुद फॉल्स इटसेल्फ जो है वो फॉल्सी है, ठीक है, तीन हो गई है, चौथा अनडिफाइंड, अभी गूगल पे लिखेंगे तो आ भी जाएगा, फॉल्सी वैल्यूज लिखूंगा ना मैं आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि मुझे भी नहीं याद रहता कि कौन कौन सी वो वैल्यू है, मतलब ऐसे तो याद है लेकिन लिस्ट नहीं याद। तो हमने क्या सीखा कि आपको जस्ट पता होना चाहिए कि इस तरह की कोई चीज़ है, एग्जिस्ट करती है। दो मिनट में लिखा मैंने, देखो लिस्ट आ गई सामने, समझ रहे हो। देखो सबसे पहले इन्होंने बताया फॉल्स, नंबर दो ज़ीरो, अच्छा ज़ीरो माइनस में भी हो तो भी वो फॉल्स ही है, ठीक है, माइनस में भी हो सकता है ज़ीरो तो वो फॉल्स है। अच्छा ज़ीरो एन जो है ना, ये असल में बिग इंटीजर को लिखने का एक तरीका है, तो ये भी ज़ीरो ही है, तो ज़ीरो की तीन फॉर्म बताई है इन्होंने कि तीनों फॉल्स है। ये थोड़ी डिटेल में बता रहे हैं, लेकिन आमतौर पर जो आर्टिकल्स होते हैं उसमें सिर्फ एक ही लिखा होता है कि ज़ीरो फॉल्स ही है, इन्होंने थोड़ा डिटेल किया कि चलो भाई तीनों वेरियंट इसके फॉल्स हैं। उसके अलावा एम्प्टी स्ट्रिंग के देखो तीन अलग अलग फॉर्म बताएं, चाहे वो डबल कोटेशन से एम्प्टी स्ट्रिंग हो, चाहे सिंगल कोटेशन से हो, चाहे बैक टिक से हो, एम्प्टी स्ट्रिंग इज़ अ फॉल्सी वैल्यू इन जावास्क्रिप्ट। नल है, अनडिफाइन है, नॉट अ नंबर है, नॉट अ नंबर हम इनकाउंटर कर चुके हैं, कब आता है नॉट अ नंबर, जब एक नॉन नंबर को आप कोई मैथमेटिक्स में इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं तो एन ए एन आ जाता है, तो ये भी एक फॉल्सी वैल्यू है, ठीक हो गया। तो ये सारी फॉल्सी वैल्यू की लिस्ट आपके पास आ गई, अच्छा भाई याद रहेगा, ये इतना तो याद रहेगा ना कि जावास्क्रिप्ट में कुछ गिनती की वैल्यूज हैं जो फॉल्सी होती हैं, बाकी सब ट्रू है, ये तो याद रहेगा ना। अच्छा अब मैं यहाँ पे अगर फॉल्सी वैल्यू लिखूंगा, कोई एम्प्टी स्ट्रिंग लिखूंगा, एम्प्टी स्ट्रिंग इज अ फॉल्सी वैल्यू, चाहे डबल कोटेशन से लिखूं, चाहे सिंगल कोटेशन से, चाहे बैक टिक से, वो फॉल्सी वैल्यू रहेगी, तो ये क्या होगा, ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। देखो प्रिंट नहीं आया मतलब फॉल्स है। उसके अलावा जितनी भी वैल्यूज़ यहाँ पे मैं लिखता चला जाऊँगा वो सारी ट्रूथी वैल्यू है। मिसाल के तौर पे कोई एक मैं
हेलो यार मैं क्लास पढ़ा रहा हूँ, बोलो। चलो मैं क्लास के बाद कॉल करता हूँ। दो मिनट रह गए ना आखिर के, जल्दी से निपटा के। अच्छा हाँ, अच्छा मैं हम्माद भाई को ज़रा माइक दे रहा हूँ। ये आपको असाइनमेंट्स कुछ बताने वाले हैं, तो प्लीज़ आप ये नोट डाउन कर लें, और जो कोई एक बंदा ना उसको ग्रुप में लिख के भी डाल दीजिएगा कि वो क्या बताया हम्माद भाई ने। असाइनमेंट्स कुछ इतने मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपको देखने हैं और उसकी प्रैक्टिस करना। सबसे पहले तो जो पहले असाइनमेंट दिए हैं चैप्टर 9 तक वो कंप्लीट करके लाने, नेक्स्ट क्लास में चेक होंगे आपके। पहली क्लास में 1 से लेके 4 तक के जावास्क्रिप्ट के, और दूसरी क्लास में चैप्टर 5 और 6 से लेके 9 तक ये कम्प्लीट होने चाहिए। और आज की क्लास से रिलेटेड थोड़ा आगे का काम है वो ये कि आपको देखना है दो चीज़ें। एक तो एल्स इफ क्या चीज़ होती है, इफ पढ़ लिया हमने और एल्स पढ़ लिया। एल्स इफ आप लोगों को घर से करके आना है, और लॉजिकल गेट्स एंड और नॉट जॉर इस तरह के होते हैं ये देखने, और इनकी इम्प्लीमेंटेशन इफ के स्टेटमेंट में आप कैसे कर सकते हैं। इफ के स्टेटमेंट में लॉजिकल गेट्स की इम्प्लीमेंटेशन और एल्स इफ, इससे रिलेटेड कल अपना नेक्स्ट क्लास में जब आप आएंगे फ्राइडे तो आते ही क्लास टास्क होगा। जो क्लास टास्क नहीं कर सकेगा वो घर ही आएगा, एटलीस्ट अपना फ्राइडे की क्लास नहीं लेगा वो जब तक वो करके नहीं आएगा। तो ये मैं बोल रहा हूँ, और लिख लें अपने पास एल्स इफ क्या चीज़ है और लॉजिकल गेट्स और उनकी इम्प्लीमेंटेशन आप इफ के स्टेटमेंट में किस तरह कर सकते हैं। किसी का कोई सवाल? अच्छा एक चीज ये देख के आइएगा, आप जब इफ और एल्स इफ पढ़ेंगे ना तो उसमें प्रिसिडेंस किसको मिलती है, यानी किस लेवल से चलता है कि हमें जब कंडीशंस दे रहे हो। एल्स इफ का मैं आपको चलिए कॉन्सेप्ट देता हूँ कि हमारे पास अभी तो हमने देखा दो कंडीशंस होती है, एक ही कंडीशन है तो वो ट्रू होगी या फॉल्स होगी। कभी ऐसी भी कंडीशन होती है जब हमारे पास एक से ज़्यादा कंडीशन चेक करनी होती है, जैसे हमारे पास है कि भाई आपके अगर आपने डाला 100 तो आपकी कंडीशन आ गई हाँ ये वैल्यू 100 है। अगर 100 से नीचे आपने स्कोर किया 90% तो वो आपको बोलता है कि भाई आपकी ए प्लस नहीं बल्कि ए है। अगर आपने स्कोर किया 80 से 90 के बीच में तो वो बोलता है आपका स्कोर बी है। इस तरह हमारे पास ग्रेडिंग सिस्टम होता है आमतौर पर, इस तरह मल्टीपल कंडीशन तो उसके लिए एल्स इफ होता है। अब एल्स इफ में हम किस तरह से कंडीशन दें कि हमारी जो वैल्यू है वो डिजायर्ड वैल्यू सही आंसर आए, मतलब कि अगर हमने दिया वैल्यू 90 से बड़ी हो तो आप उसको ग्रेड करो बी। और दूसरे मैंने लगाया एल्स इफ में वैल्यू अगर 100 से बड़ी हो तो आप उसको दो ग्रेड ए। आप अगर यूजर ने 100 एंटर किया तो सबसे पहले क्या चेक करेगा, 90 वाली वैल्यू या 100 वाली वैल्यू? 90 वाली वैल्यू, तो उसको ग्रेड क्या करेगा, बी करेगा, जबकि असल में 100 पर ग्रेड क्या होना चाहिए, ए। तो इस तरह ये कंडीशंस आप देखिए, पहले कौन सी देनी बाद में कौन सी, इससे रिलेटेड मैं नेक्स्ट क्लास में छोटा सा क्लास टास्क होगा, मुश्किल से 3 मिनट का है वो। मैंने किया अभी अपने पास कुछ 7 लाइन या 8 लाइन का कोड है मैक्सिमम, तो वो आप लोग को ये देखना है और लॉजिकल गेट्स देख के आना है।